नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैन पावर हायरिंग के बारे में। अगर आप कोई कैफे स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी चल रहा है क्लाउड किचन या किसी भी प्रकार का फूड बिजनेस, तो सबसे जो मेजर चैलेंजेस आते हैं वो आते हैं आप लोगों को मैन पावर हायरिंग में। चाहे वो शेफ़ हो, आपके कॉमी हो, मैनेजर हो, सर्विस स्टाफ हो, वेटर हो, या फिर यूटिलिटी वाले, या किसी भी प्रकार के आप लोग बोल सकते हैं मैन पावर। अब यहाँ पे मुझे भी कई सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें कि आप बोलते हैं क्या आप भी मैन पावर हायरिंग करते हैं। तो जी नहीं, मैं कोई मैन पावर एजेंसी नहीं हूँ, ना ही मैं किसी प्रकार की मैन पावर हायरिंग करता हूँ। तो मुझसे ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या आपको एक ऐसी जेन्युइन कंसल्टेंसी या ऐसी कुछ सर्विसेज के बारे में बता सकते हो जो कि मैन पावर हायर करवाएं और उनके साथ किसी भी प्रकार का वहाँ पे धोखा ना हो। कहने का मेरा मतलब है कि अगर वो किसी चीज़ के लिए पे कर रहे हैं तो उनको वो मैन पावर वहाँ पे मिल जाए। पर जेन्युइनिटी से मैं बताऊँ, ऐसा कोई भी नहीं है। और इवन जो मैन पावर होती है या जो शेफ़, कॉमी, कुक्स या किसी प्रकार का स्टाफ होता है, वो कभी भी कहीं भी टिक के काम नहीं करता है। इस बात को भी हमको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी एजेंसी होगी, चाहे कोई भी कंसल्टेंट हो गया, कोई भी इस प्रकार की गारंटी वारंटी नहीं लेता है कि वो आपको हायर करके ही देगा या उनके द्वारा आपकी वो चीज़ें फुलफ़िल की जाएंगी। इवन पास्ट में मेरे कई सारे ऐसे एक्सपीरियंस भी मेरे जो मेंटीज़ ने शेयर करे हैं कि उन्होंने कोई एक कंसल्टेंट हायर किया था जिसको कि उन्होंने जिन्होंने कि उनको मैन पावर प्रोवाइड करवाई और जो भी 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 6 महीने के बाद ही वो बंदे चले गए। पर अगर हम लोग बात करते हायरिंग की, तो कोई भी अगर हमें हायरिंग करके देता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करें। पर एक तरीके से जो कंसल्टेंट होते हैं वो उनके ही पेरोल पे आप लोग समझ सकते हैं होते हैं। और 6 महीने के बाद अगर वो चाहते हैं कि भाई हम कंसल्टेंट को पैसे ना दें, तो जो वहाँ पे जो मैन पावर काम कर रही होती है वो धीरे धीरे करके छोड़ के चली जाती है। या अगर आपके आपका जो एजेंट के साथ 2-3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो उसके बाद भी वो सारी मैन पावर चली जाती है, या जो कंसल्टेंट या जो एजेंसी होती है वो ही उन लोगों को कहीं दूसरी जगह थोड़ी हायर तनख्वाह पे लगा देती है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं हम लोग मैन पावर हायरिंग की बात करें। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए मैंने भी कुछ ना कुछ सोचा है। मैंने यहाँ पे, अगर आपको पता हो, मेरे डिजिटल शेफ हब की वेबसाइट है, लिंक नीचे मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप लोग जो भी मैन पावर हायरिंग करना चाहते हैं एज ए एम्प्लॉयर, एज ए कंपनी, रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, टेक अवे, फूड बिजनेस, आप कोई भी चला रहे हो, तो वहाँ पे जाके आप जॉब्स के सेक्शन में अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे डाल सकते हो। आपको पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट वहाँ पे भरनी है, आपकी कंपनी का नाम, रेस्टोरेंट का नाम, आपका प्रॉपर वहाँ पे एड्रेस आपको डालना है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, वेबसाइट वहाँ पे डाल लीजिएगा। कोई टैगलाइन है, आप अपनी कंपनी के बारे में डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, वो आप डालिएगा। कोई वीडियो आपकी है वहाँ के, आपकी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन के बारे में, वो डाल सकते हैं आप। आपका कोई ट्विटर हैंडल है, साथ साथ आपका लोगो। और इसके बाद जो आपकी जो भी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, कॉमी चाहिए, कितनी तनख्वाह आपको देनी है, आप अपने नंबर्स वगैरह, वहाँ सारी की सारी चीज़ें डिटेल शेयर कर सकते हैं। मेरे प्लेटफॉर्म पे अगर यूट्यूब की ही बात करूँ, लगभग 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 3.5 करोड़ लोगों ने इस चैनल को देखा है। इवन अगर मैं व्हाट्सअप पे भी कोई वैकेंसी या पोजीशन डालता हूँ, तो क्योंकि मेनली उसे देखने वाले शेफ़ हैं, कॉमीज़ हैं, कुक हैं, रेस्टोरेंट वगैरह के ऑनर्स वगैरह हैं, या आप बोल सकते हैं इस फूड इंडस्ट्री से इवन कई सारे वेंडर्स भी हैं जो उन सब चीज़ों को देखते हैं। तो वहाँ पे अगर मैं कोई पोस्ट भी डालता हूँ तो लगभग 1 मिनट के अंदर कम से कम 600-700 लोग उसको देख लेते हैं। तो इतनी रीच है मेरे चैनल की, और वही लोग हैं जो कि इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो आप वहाँ पे ये सारी की सारी जो जॉब की रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं, जो कि मेरे पास आ जाएगी, मेरे ईमेल पे आ जाएगी, अगर वहाँ पे फिल कर देते हैं उसके बाद मैं अप्रूव कर दूंगा। अब यहाँ पे ये भी एक दिक्कत होती है कि जो मैन पावर होती है, जो शेफ़ और कुक होते हैं, उनको जेन्युइनिटी पे यकीन नहीं होता कि भाई जो रेस्टोरेंट बोल रहा है कि वो सही बोल रहा है, बाद में उनकी तनख्वाह देगा या नहीं देगा। तो यहाँ पे अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे अपनी चीज़ें बाकायदा बताते हो, तो आप भी अपने आप को एज अ ब्रांड भी वहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हो, और एक प्रकार से जेन्युइनिटी भी ये पता चलती है कि भाई आप भी कोई एक ब्रांड हो। क्योंकि कोई भी अच्छे होटल मैनेजमेंट कॉलेज का लड़का, लड़की या किसी भी प्रकार का एम्प्लॉई आपके पास तभी जाएगा जबकि आप एक ब्रांड हो। आप कुछ भी ऐसा छोटा मोटा खोल के बैठ जाते हैं तो कोई भी नहीं आता है, बड़ी ही ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो वहीं अगर आप अपनी कंपनी को, अपने रेस्टोरेंट को, क्लाउड किचन को कहीं पे लिस्ट करते हो तो आपको देखने में भी अच्छा लगता है और एक तरीके से जेन्युइनिटी का भी पता चलता है। यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार का आप लोगों से प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि आपको वहाँ से मैन पावर मिल ही जाएगी, क्योंकि ये अभी किसी भी प्रकार की पेड सर्विसेज नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, ये किसी प्रकार की पेड सर्विसेज नहीं है।
पहले जो भी आप बोलते हैं, आप एक पोस्ट डालते हैं या जो भी पहली बार देते हैं, तो इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट और वो वहाँ पे आपके लगभग 15 दिन तक हमारी वेबसाइट पे दिखाई देगा और उसके बाद हम लोग उसको डिलीट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि उसको कंटिन्यू करें तो देन यू हैव टू पे द चार्जेस, आपको कुछ छोटे चार्जेस पे करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद अगर आप और भी कोई पोस्ट डालते हो तो वो आपकी रीच बढ़ती है, साथ साथ आप इस वेबसाइट को लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी वहाँ पे आपके जो आपने जो जॉब डाली है उसको देख सके और अप्लाई कर सके, क्योंकि डिजिटल शेफ अब एक बहुत ही आप बोल सकते हैं एक अच्छा ब्रांड मार्केट में एस्टेब्लिश हो चुका है जिससे कि लोगों को यकीन है। तो सेम हम भी चाहते हैं कि आपके ब्रांड भी कहीं पे नज़र आए ताकि आपको जो मैन पावर मिलना किसी भी प्रकार से मुश्किल ना हो और ईजिली मिल पाए। तो पहली जो पोस्ट होगी वो सबके लिए फ्री होगी, कोई भी उसमें जाके अपने अप्लाई कर सकता है, अपनी जो जॉब स्किल डाल सकता है। दूसरा, यहाँ पे जो भी कंसल्टेंट हैं वो अगर आप चाहें तो वो भी हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं, सेम मैन पावर के लिए ही आप लोग भी अपनी यहाँ पे रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं। वहाँ पे आपको अपनी किसी रेस्टोरेंट का नाम डाल के ना डाल के आपकी जो कंपनी है वो डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि जो भी मैं वैकेंसीज डालता हूँ सेम वही कॉपी होके कहीं और पे नज़र आने लग जाता है। तो यहाँ पे कॉपी करने वाली बात नहीं है, इट्स अ बिज़नेस, आप भी आके हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। वेबसाइट का लिंक है नीचे दे दूंगा, आप लोगों को करना क्या होगा, जॉब वाले सेक्शन में जाके एज अ एम्प्लॉयर अपने आप को रजिस्टर करना होगा और उसके बाद आपकी पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट आपको डाल दी पड़ेगी। पहली पोस्ट फ्री होगी जो कि आपकी 15 दिन तक के लिए हम लोग फ्री रखेंगे, उसके बाद हम उसको डिलीट कर देंगे, देन यू हैव टू पे द चार्जेस और जब भी आप कोई नई वैकेंसी डालेंगे तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा। शुरुआत में सबके लिए एज अ टेस्टिंग हम लोग उसको बोल सकते हैं, इसलिए आपके लिए फ्री है। वेबसाइट का लिंक नीचे मिल जाएगा, जरूर जाके वहाँ पे कीजिएगा। बाकी वहाँ पे आपको व्हाट्सअप का नंबर भी मिल जाएगा डायरेक्ट, अगर आपको वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी फिल करने में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स हो मुझे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।